हाल ही में चीन को एक अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा जब उसने 500 सैनिकों के साथ पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी छोर पर एलएसी पार कर कई रणनीतिक क्षेत्रों पर कब्जा जमाने के लिए 29 अगस्त की रात को धावा बोला। भारत ने न केवल इस हमले को ध्वस्त किया बल्कि चीनी सैनिकों को चौंकाते हुए रणनीतिक रूप से अहम रेगिन घाटी स्थित काला टॉप पोस्ट को भी पुनः भारत में समाहित किया। इससे एक तीर से दो शिकार हुए हैं। जहां भारत ने न केवल अपनी आक्रामक रक्षा नीति का बेजोड़ उदाहरण पेश कर ये सिद्ध किया कि ये देश अपने शत्रुओं को उन्हीं के घर में घुसकर सबक सिखाना जानता है, तो वहीं ये बात एक बार फिर सिद्ध हो गई कि चीनी पीएलए आर्मी सिर्फ नाम की आर्मी है। असल में यहाँ सेरेलाक पोषित वयस्क भरे पड़े हैं जो जरा सी चुनौती मिलने पर दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। पर भारतीय सेना की विजय इतनी अहम क्यों थी? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने यहाँ पर सर्विलांस सिस्टम और कैमरे भी लगा रखे थे जिससे भारतीय सैनिकों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। बावजूद इसके चीनियों को भनक लगने से पहले ही भारतीय सेना इन चोटियों पर काबिज हो गई। ये इलाका सामरिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यदि चीन झील के दक्षिणी छोर पर काबिज हो जाता तो पूरे पेंगोंग झील क्षेत्र पर उसे बढ़त हासिल हो जाती। इसके कारण भारत को पेंगोंग के अलावा चुशूल इलाके में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसके अलावा इस बात पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया कि भारत ने इस मोर्चे के लिए विशेष रूप से अपने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का उपयोग किया था। इस फोर्स को 1962 की पराजय के बाद ही गठित किया गया था और इसमें मुख्य रूप से तिब्बत से आए शरणार्थियों को शामिल किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तिब्बती लोग ऊंचे इलाकों में रहने के आदी होते हैं। इस कारण तिब्बती पठार पर चीनियों को धूल चटाने की क्षमता इनमें स्वतः होती है। अब भारत की स्पेशल रेजिमेंट में गोरखा सैनिकों को भी रखा जा रहा है जिन्हें माउंटेन वॉरफेयर का अच्छा अनुभव होता है। यही कारण था कि चीन की तमाम तैयारियों के बाद भी इन सैनिकों ने चीनी सेनाओं को चकमा देते हुए पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, भारतीय सेना किसी भी तरह से युद्ध भूमि पर किसी भी स्थिति में भिड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है। यदि विश्वास ना हो तो 1962 के युद्ध में रेजांगला मोर्चे के बारे में पढ़ लीजिए। जिस जगह भारत और चीन अभी वर्तमान में लड़ रहे हैं वहां से थोड़ी ही दूरी पर चुशूल क्षेत्र में इस पहाड़ी युद्ध भूमि पर 18 नवंबर 1962 की सुबह चीन ने लगभग 2500 सैनिकों और हर प्रकार के शस्त्रों के साथ धावा बोला था। मोर्चे पर तैनात कुमाऊं रेजिमेंट के चार्ली कंपनी के सैनिकों के पास उचित शस्त्र तो छोड़िए कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पर्याप्त गेयर भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने शत्रु पर ऐसा कहर ढाया कि चीन के 1300 से अधिक सैनिक उसी मोर्चे में मारे गए। उसके 58 वर्ष बाद भारत पहाड़ी युद्ध शैली में न केवल पूरी तरह निपुण है बल्कि चीन के कुछ विशेषज्ञ भी दबी जुबान में इस बात को स्वीकारते हैं कि पहाड़ी युद्ध शैली में भारतीय सैनिकों के समक्ष दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। वहीं भारत के वीर जवानों की तुलना में चीन के सैनिकों के पास उचित युद्ध कौशल तो छोड़िए एक अदद युद्ध का अनुभव भी नहीं है। चीन ने अंतिम बार 1979 में वियतनाम पर आक्रमण किया था जहां वियतनाम ने भारी नुकसान के बावजूद चीन के सैनिकों को पटक पटक कर धोया था। चीन के पीएलए सैनिक कितने भी कमज़ोर और थुलथुले हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं जब गलवान घाटी पर चीनी सैनिकों ने भारतीय खेमे पर हमला किया था तो जवाब में भारतीय सैनिकों की घातक टुकड़ियों ने न केवल अपने हाथों और पैरों के कुशल प्रयोग से ही चीनी खेमे में त्राहिमाम मचा दिया था बल्कि कुछ चीनी सैनिकों के चेहरे इतनी बुरी तरह कुचल दिए गए थे कि वो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। तो वहीं कुछ चीनी सैनिकों की गर्दन उनके धड़ से झूलते हुए दिख रहे थे। वैसे भी बात क्लोज कॉम्बैट की आती है तो भारतीयों का कोई सानी नहीं है। इससे पहले भी टीएफआई पोस्ट ने चीनी सैनिकों की पोल खोलते हुए ये बताया था कि चीन की सेना सिर्फ नाम के लिए है। रिपोर्ट के अनुसार अब अगर युद्ध में पैम्पर्ड बच्चे आकर लड़ाई लड़ेंगे तो हश्र तो यही होगा। अब आपको चीनी सेना की एक और उपलब्धि बताते हैं। वर्ष 2016 में छपी दी गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना यूएस पीस कीपिंग मिशन के तहत सूडान में तैनात थी तो उन पर एक बार सूडान के विद्रोहियों ने हमला बोल दिया था। उन चीनी सैनिकों पर एक सिविलियन प्रोटेक्शन साइट की सुरक्षा करने का जिम्मा था लेकिन विद्रोहियों को देखकर चीनी सैनिकों के पसीने छूट गए और वो अपनी जगह छोड़कर भाग गए। उन चीनी सैनिकों की बुजदिली की वजह से न सिर्फ कई मासूमों की जान चली गई बल्कि कई महिलाओं का यौन शोषण भी किया गया। यही चीनी सेना की सच्चाई है जो अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इसीलिए चीनी सेना को ज़मीन पर रहकर अपनी औकात के अनुसार ही बात करनी चाहिए। यही कारण है कि डोकलाम में चीनी सेना को मुँह की खानी पड़ी थी और अब लद्दाख में भी चीनी सेना का यही हाल होना तय है।
ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पैंगोंग झील की दक्षिणी छोर पर चीन ने जो असफल हमला किया था उसे एक बार फिर चीन के राजदुलारे पीएलए फौजियों की पोल खुल चुकी है। चीनी सेना बाहर से जितनी मजबूत दिखाई देती है उतनी मजबूत असल में वो है नहीं, क्योंकि सारी मीडिया रिपोर्ट्स और शोध इस बात का दावा करते हैं कि चीनी सेना वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत जन्मे इकलौते बच्चों से भरी पड़ी है जिन्हें बड़े ही लाड़ प्यार से पाला गया होता है और उनमें लड़ने का ज़रा भी हौसला नहीं होता।